इस पूरे मामले से साढ़े नाल साढ़े सहयोगी अमनप्रीत लाइव जुड़ चुके हैं, उन्होंने जानकारी लेवेंगे इस पूरे मामले सीधा अमन को चलते हैं। तो अमन जो गल की जाए नवे बस स्टैंड की सौगात जी है पटियाला वासियों को मिलन जा रही है, सीएम भगवंत मान उद्घाटन करेंगे पहुंचेंगे पटियाला, की कहना चाहोगे पूरे मामले से? जरूर दिखाना चाहांगे जिते थोड़ी ही देर दे विच मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और यह पूरे जिहड़े कि सुविधावां दे नाल लेस जिहड़ा यह पूरे तरीके दे नाल बनाया गया बस स्टैंड है। और सब तो जिहड़ी खासियत है इस बस स्टैंड की कि इस दे विच सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, और जिस तरीके दे नाल आम तौर के उपर असी जो कि भी जाते कोई रेलवे स्टेशन हुंदा है या फिर कोई एयरपोर्ट हुंदा है तो उस तरीके का लुक जिहड़ा इस बस स्टैंड नूं दिता गया है और पूरे जिहड़ी न्यू टेक्नोलॉजी दे नाल इसनूं बनाया गया है। तुसीं देख सकते हो कि इस पूरी बस स्टैंड के विखे जी नीचे जी थां है जिथे कि जो लोग आएंगे तो इतने ठहरनगे, उस तो बाद उपर बस दे ट्रैवल करने जाएंगे। तो सारी थावों के उपर सीसीटीवी कैमरा जोड़े इतने लगाए गए हैं, लोगों को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो इसको देखते हुए पूरे तरीके के नाल इस फुली जोड़ा फर्निश जिसनों कहा जाता है यानी नवी सुविधावान लैस इस पूरे जोड़े कि बस स्टैंड में बनाया गया है। और थोड़ी देर भगवंत मान इतने पहुंचे उसका उद्घाटन करेंगे, इतने बहुत सारे लोग जोड़े कि पीआरटीसी के मुलाजिम भी मौजूद है, आप जरूर उन्होंने भी बात करते सर अज उद्घाटन करन जा रहे हैं मान साहब इतने पहुंच रहे हैं, किवें देखते हो? यह जी बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो बिल्डिंग थोड़े सामने आ ते सारे पटियाले नूं कि सारे एरिए दे विच सब तो बड़ा वधिया पंजाब दे विच एक बनिया टर्मिनल टाइप जिवें एयरपोर्ट हुंदा है, तो बहुत वधिया चीज बनी है, तो आने वाले समय के इस तो भी वधिया जिहड़ा कारगुजारी है सरकार करी इस तो भी वधिया कारगुजारी सरकार वालों की जाएगी। पटियाला वासी जिहड़े इत्थे पहुंचे हुए ने, इत्थे होर भी लोग मौजूद ने, पटियाला दे वसनीक ने उन्होंने गल करदे आ सर किवें देखते हो जिस तरीके दे नाल पूरे आधुनिक असीं देख रहे हाँ सीसीटीवी कैमरा तक लगाए गए हैं और जिस तरीके दा इसनूं बनाया गया है जिवें वड्डे वड्डे एयरपोर्ट्स हुंदे आ या फिर बड़े बड़े जिवें रेलवे स्टेशन, इसनूं सब तो वड्डा पटियाला दे विच फुली आधुनिक जिहड़ा इह बनाया गया है बस स्टैंड, किवें देखदे? इह बहुत ही वधिया काम है, ये साढ़े राष्ट्रीय अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने मेहनत का सदका, तो उन्होंने बहुत ही वधिया पंजाब की शख्सियत मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान नूं बना के पंजाब की बागडोर दिती है। मेरे कहने का मतलब है भी पंजाब च बस स्टैंड की जिन्हें भी पंजाब दिया बहुत वधिया वधिया कारपोरेशन ला लो, एक मोहल्ला क्लीनिक ला लो, बहुत ही वधिया हेल्थ मिनिस्टर जो अपने डॉक्टर बलबीर सिंह जी, बहुत ही वधिया काम हो रहा है पंजाब दे विच। ऐसी आम आदमी की जो सरकार है, मैं कहना ऐसी सरकार पूरे भारत दे विच होनी चाहिए। पूरी भारत दे विच है मैडम, आज बस टर्मिनल का इनोग्रेशन हो जा रहा है, किवें देख रहे हो? पटियाला वासी हो, पटियाला के लोगों को बड़ी सौगात आज मिलन जा? हाँ जी, यह पटियाला वासियों बहुत वड्डी सौगात हैगी आ, उत्थे बहुत ज्यादा रश सी जिथे पुराना बस स्टैंड सीगा उत्थे लोकां दा लंघना हुण तां इन्ना को औखा हो गया सीगा, इन्नी ज्यादा ट्रैफिक सी, एक्सीडेंट बहुत हुंदे सीगे, हुण बस स्टैंड बाहर आण नाल उत्थे राहत मिलेगी, लोग आराम दे नाल अपना लंघणगे। ये बहुत ही वधिया उपराला कीता हैगा पंजाब गवर्नमेंट ने, जिहड़ा बस स्टैंड एक पासे बाहर कर दिता है। आम तौर ते किस तरीके दी समस्यावां लोकां नूं आंदियां सी? जिवें मैडम ने दस्सिया कि बहुत भीड़ भाड़ दा एरिया हुंदा सी, लेकिन हुण एक वड्डी राहत जरूर मिलेगी, समस्यावां हालांकि कंजस्टेड एरिया है क्योंकि लोगों की आवाजाही बहुत इतने रही। देखो जी, लोगों को फैसिलिटी तो मिलेगी क्योंकि लोगों को परेशानी का दिक्कत यह आती सी, तो उत्थे एक तो शहर अपना शहर के बीचों भी सीगा रश बहुत सीगा, जिस टाइम उत्थे जाते तो उन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना करना पैंदा सीगा। इत्थे मेन रोड से है राजपुरा रोड से जिन की मेन हाईवे पै जांदा है, इला इत्थे लोगों को आने भी आसानी होगी, पार्किंग भी पूरी है इत्थे ते साफ सफाई भी पूरी है। साफ सफाई की भी गल आखी है और लोकल जी एमएलए भी इतने पहुंच चुके हैं, तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे तुम्हें कि किस तरीके के नाल पटियाला वासी जे इतने पहुंचे हुए हैं और लगातार जोड़े लोग हैं। एमएलए मैडम ने अभी बुलाया है, उन्होंने भी जरूर गलबात करेंगे और जिस तरीके के नाल मैं जानकारी दे रही थी कि फुली फर्निश्ड जोड़ा इसको बनाया गया है, यानी सुविधावान से लेस है, इस सीसीटीवी कैमराज भी लगाए गए हैं और तमाम उस सुख सहूलत पटियाला वासियों ने इस बस स्टैंड के मिलनगे जो एमएलए मैडम मौजूद है। मैडम एक वड्डी सौगात है सीएम मान वालों दी जा रही। बिल्कुल जी, जो आम आदमी पार्टी की सरकार से लोगों ने भरोसा किया, लोगों ने इन्ने मार्जन ना दिती है सरकार, तो उसके तहत सीएम भगवंत मान जी का एक ही सपना है कि मैं लोगों के हर वेले काम आवां, इस करके तुसी देखिया हो आप पुराने सीएम साहब ला लो भी कदे पटियाले नहीं आए होने,
तो मान साहब के तो पता ही नहीं किन्ने चक्कर लग गए है। अज जी नवा बस स्टैंड की सौगात दे रहे हैं, ये साढ़े लिए एक बड़े माण की गल है। ये पब्लिक को बहुत फायदा होएगा और सबनों एक ये है कि उही पटियाला है, पटियाले की एक नुहार बदल रही है। वो क्यों बदल रही है? क्योंकि सीएम साहब ईमानदार ने, उन्होंने मन च लोगों लिए कुछ करना, ना कि मंत्रियों के अफसर के घर भरने, बल्कि लोगों का कुछ करना। उस तहत अजय बस स्टॉप की उद्घाटन हो रहा है। लोगों की बहुत पटियाला दे विच हुंदी सी जिवें कि ट्रैफिक बहुत रहिंदा सी, आवाजाही दी कहिंदे ने बाहर निकलिया है। अगर इस बस टर्मिनल की गल की जाए तो कि सुविधावां जो आम उहदे विच नहीं हुंदे, जो इत्थे जिहड़ियां होण? देखो इत्थे हर मॉडर्न सहूलत मिलेगी। उत्थे बस स्टैंड ते आपां जांदे सीगे, बस स्टैंड ते भीड़ हुंदी सी, धक्के हुंदे सी, यात्रियों नूं बैठण दी जगह नहीं सी। हर जो चीज़ आम पब्लिक नूं चाहिंदी है वह इत्थे मॉडर्न बस स्टैंड ते इत्थे हर सहूलत मिलेगी, क्योंकि लोगों की सरकार है, लोगों लई है, और लोगों का पक्ष पहला सोचती है, बाकियों का बाद विच। सरकार की कैबिनेट भी होने जा रही, उहदे विच भी कई वड्डे फैसले, तो लगता है कि पटियाला वासियों नूं भी कुछ वड्डा? देखो जरूर, मान साहब की तो झोली च जो है वह दे ही जाते हैं, उन्होंने आपके कोले तो कुछ रखिया नहीं। अज तुसी देखो इंतजार करो, आप उन्होंने मुंह तो सुनिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वड्डा लोगों क्योंकि लाइव थोनू सारे दर्शक सुन, वो बिल्कुल है, पर असी वो मान साहब के मुंह तो सुनिए वो ज्यादा अच्छा है। मैं इको ही गल कहूंगी, मान साहब देन आए है लैन नहीं, मान साहब की सरकार हमेशा लोगों को देगी। जेड़े वादे करके आए हैं एक एक वादा पूरा होगा, जे एक भी वादा अधूरा रह गया असी वोट मंगन नहीं जावांगे दोबारा। जलंधर की जित तो बहुत बढ़िया जित हुई है, जलंधर की जित लोगों ने कमां नूं दित्ती है। दूजिया पार्टियां जात पात के आधार से, लड़ाइया के आधार से, पैसे के आधार से वोटा लेंदियां सी, पर आम आदमी पार्टी नूं वोटा मिली है कमां के आधार से, लोगों के कम किए। लोग बिजली के बिलों तो बड़े खुश सके, उस गल करके ही लोगों ने आम आदमी पार्टी चुनिया कि असी सही पार्टी चुनी है जो लोगों के कम करती है, तो अगे तो भी इसे पार्टी चुनते रहेंगे। MLA मैडम जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके दे नाल अज मानस जिहड़े कि सीएम मान है बस टर्मिनल का, तो वह उद्घाटन करेंगे ही करेंगे, एक वर्चुअली उद्घाटन वखरा किया जाएगा, तो होर भी कुछ वड्डी सौगात जिहड़ी अज पटियाला दे लोकां नूं दित्ती जा सकती है, पंजाब दे लोकां नूं दित्ती जा सकती है, क्योंकि पटियाला विखे प्रोग्राम उलूकिया गया, तो जाहिर है कि पटियाला दे लोकां नूं एक वड्डी सौगात देंगे। लेकिन उन्होंने जानकारी दी है कि खुद सीएम मान के मुँह सुनेंगे, और जिवें तुसीं पटियाला दे लोकां नूं भी सुनिया कि जिस तरीके दे नाल आम समस्या लोगों को आती कि बहुत भीड़ भाड़ होंगी सी, तो लोगों को आवाजाई दिक्कत होंगी सी, लंबी लंबी उत्ते दिक्कत और एक्सीडेंट आम तौर के उपर ज्यादा होंगे सी, सो उस तो राहत जी लोगों जरूर मिलेगी। एक तस्वीर जरूर मैं दिखाना चाहूंगी किस तरीके दे नाल इस टर्मिनल नू पूरे तरीके दे नाल मॉडर्न जिहड़ा लुक दिता गया है, तुसीं देख सकते हो कि पूरे तरीके दे नाल कहा जा सकता है कि एक जिवें एक वड्डे वड्डे आप आम तौर के उपर जदों आप रेलवे स्टेशन जाते हैं या फिर आप उस तरीके का लुक देने की पूरी जी सब तो वड्डा जिहड़ा पटियाला दा बनाया गया है, और पटियाला के कई वासी भी इत्थे पहुंचे हुए हैं, और लोगों के खुशी इस चीज़ को लैके जरूर है, और कि एक वड्डा जिहड़ा टर्मिनल है वो भी फुली जिहड़ा कि आधुनिक जिहड़ा बनाया गया, वो लोगों को अज सौगात दी जा रही है। जी अमन जी, गल की जाए जिस तरह तुम सारिया तस्वीर दिखा रहे हो, लैस आधुनिक अति आधुनिक तकनीक के नाल बनाया गया बस स्टैंड, सीसीटीवी कैमरा लगा दिते गए हैं, लोगों का कहना है कि बहुत वधिया उपराला किया जा रहा है, क्योंकि बारों बार बना दिता गया, क्योंकि उत्थे भीड़ भाड़ वाला इलाका सीगा, पर किते ना किते कि लगता नहीं अमन कि इत्थे भी लोगों को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इत्थे भी हाईवे चलता है, यूनिवर्सिटी नेड़े है, तो इधर रस्ता जिहड़ा हाईवे आ, ते नाल ही जे गल की जाए उत्थे लोगों को सहूलत भी सी, बाजार नेड़े सीगा, लोग आते सी ते खरीदारी भी नेड़े कर लेंदे सी। हाँ जरूर, हालांकि भीड़ भाड़ इलाके तो बाहर जरूर कर दिता गया, पर की लगता है कि लोगों को सहूलत हो इसकी या फिर कोई नुकसान भी हो सकते हैं? देखिए जदों भी किसी तरीके की कोई चीज़ बनाई जाती है, चाहे आप एयरपोर्ट की गल की, चाहे फिर आप गल करते रेलवे स्टेशन की, बस स्टैंड की, आम तौर के उपर बस स्टैंड जिहड़ा कि अगर आप जिलों की गल की जाए या फिर हल्कों की गल की जाए तो उन्होंने ही बस स्टैंड होंगे ने। हालांकि पटियाला भी छोटे छोटे बस स्टैंड जिमें लगते हैं जरूर पटियाला विखे, लेकिन एक वड्डा बस टर्मिनल जिहड़ा बनाया गया है, और इसका मेन मकसद है कि जिहड़ी एक रश जिहड़ा लोकल इत्थे पैंदा सी उह रश घटा के इस साइड उपर ले जाए। हालांकि जरूर है कि हाईवे है, लोगों को दिक्कत होएगी, लेकिन एक सहूलत भी सरकार वालों देने की कोशिश जरूर की गई है कि पटियाला वासियों को कि साइड के उपर बना के जिहड़ा ट्रैफिक हुंदा सीगा, जिहड़ी आम लोगों को खज्जल खुआरी हुंदी सी, उस खज्जल खुआरी से बचा के लोगों को एक साइड पर लिया जाए, ताकि उस चीज़ों तो बच के लोग इत्थे आ सकन, जिसके चलते हुए बस टर्मिनल जिहड़ा कि इत्थे बनाया गया। और सब तो वड्डा जिहड़ा बस खासियत यह है कि सब तो वड्डा बस टर्मिनल है, इस दे विच सीसीटीवी कैमराज भी लगाए गए हैं, जाहिर अगर कोई चीज़
चीज़ अच्छी होंगी तो कुछ चीज़ा वे अजिहिया होंगे, लेकिन इतों लोगों जिमें सिटी के ले जाने के लिए या पिंड ले जाने लिए छोटे छोटे जोड़े कि ऑटोज होंगे ने और चीज़ों का भी प्रबंध है जोड़ा वो जाहिर है किया जाता है। उस एक फायदा यह हों कि लोगों रोज़गार भी नाल नाल मिलता है जरूरत हाँ, लेकिन आप इस बारे अगर गल की तो इतने के आम लोगों भी यह चीज़ आप जरूर पूछते हैं सर इतने टर्मीनल खोल दिता गया है आम तौर के उपर जो भी टर्मीनल बस जी अंदर से क्या लोगों किसी तरीके की कोई खजल खुआरी तो नहीं हुई कि जिमें लोग जिमें बाहर आएंगे या हाईवे पैंता कोई दिक्कत तो नहीं नहीं मैडम सगों हूँ लोगों को सहूलत मिलेगी क्योंकि इतों जिहड़ियां भी बसा निकलनगियां जिहड़ी संगरूर नूं जानी जां वाया बठिंडा जानी इतों बाईपास कढ़िया हुआ बाईपास तो सीधा चली जाएगी जिहड़ी वाया सरहंद जानी लुधियाना अमृतसर वो वाया इतों कढ़िया हुआ बाईपास है बस स्टैंड बिल्कुल सही जगह बनया है ट्रैफिक ते कंट्रोल मिलेगा लोगों को राहत मिलेगी इस चीज़ बहुत राहत मिलेगी लोगों को ट्रैफिक तो इस चीज़ का लोग बहुत लंबे टाइम तो इंतजार कर रहे थे सर तुसीं सुनिया कि लोग जिहड़े लंबे समय तो पटियाला वास्ते इंतजार कर रहे थे कि जो समस्यावां उन्हां नूं आम तौर के उपर जिहड़े कि उत्थे बस स्टैंड के हुंदे सी मिलदियां सी कि हुण उस तो जरूर लोगों नूं नजात मिलती नजर आएगी। सो एक वड्डा टर्मीनल अज उद्घाटन किया जा रहा है इस दे नाल एक वर्चुअली उद्घाटन सीएम ने इत्थों ही करनगे और अगर अज दी गल की जाए तो कई कैबिनेट मिनिस्टर भी जिहड़े इत्थे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी इत्थे मौजूद होणगे जो इस समय उद्घाटन करेंगे लेकिन पटियाला वासियां दे जिवें एमएलए मैडम ने बोला कि एक वड्डी सौगात जिहड़ी इस दे नाल होर भी दिती जाएगी जी। अमन जी गल की जाए पटियाला दे विच काम जिहड़ा कीता जा रहा आम आदमी पार्टी दे वल्लों जिवें जलंधर दे विच जित हासिल हुई है 2024 दी जे कही जाए तैयारी की जा रही है कि इस दे विच दो राय नहीं होगी 2024 की तैयारी जोरों शोरों के नाल हुण तो ही शुरू कर दी गई है हर पार्टी के वल्लों कर दी गई है। जे दूजे पासे सत्ता ते पार्टी आम आदमी पार्टी की गल की जाए तो बड़े पद्धर से काम किए जा रहे हैं लोगों को सहूलतें दी जा रही है जिवें तुसीं हुण लोगों के नाल गलबात की उन्होंने भी जिक्र किया कि मोहल्ला क्लीनिक दिए गए हैं होर सारिया सहूलतें दी गई ने हुणे तो की लगता कि 2024 का जिहड़ा रण मैदान आ जिहड़ा चोण का मैदान वो पूरी तरह तैयार किया जा रहा। जी हाँ बिल्कुल और क्योंकि जिस तरीके दे नाल 2024 जिहड़ा टीचा है हर पार्टी दे लई देखिए आम आदमी पार्टी सत्ताधर दी पार्टी है मेन मौजूदा सरकार है और सरकार दे कोल ओह चीज़ां हुंदियां है जो लोगों को एक वड्डी सौगात दे के लोगों के लिए एक वड्डा कुछ कर सकती है लोगों का वोट बैंक स्ट्रोंग कर सकती है आम तौर के उपर यह चीज़ हुंदी है। सो जिथे हुण दूसरी विरोधी धिर की गल की जाए चाहे अकाली दल की गल की जाए भाजपा की गल की जाए या फिर गल की जाए कांग्रेस की तो उन्होंने वालों भी पूरी कोशिश की जा रही लेकिन सरकार ने जो दावे और वादे की सरकार उस वालों चीज़ करने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार का मेन तौर के ऊपर एक मुख्य मकसद है कि जो सरकार ने दावा किया जो सरकार ने अपने चोन मैनीफेस्टो में कहा जो जो लोगों के जो लोगों के विचरे से जो वादा किया सरकार ने लोगों को कि असी लोगों जो जो चीज़ा चाहे महिला क्लीनिक है चाहे शिक्षा का सुधार है तमाम ऐसी चीज़ों क्या गया कि जो चीज़ें वादे किए गए सरकार का टीचा है जे उन्होंने एक भी वादा रह गया तो वह वोट मंगन नहीं जाएंगे इस बयान को किवें देखते हो क्योंकि इन मित्र ने साफ साफ ये गल कही है कि जे चोन मैनीफेस्टो के जिहड़े इन्होंने वादे किए ने गरंटियां कही ने कि असीं पूरियां करांगे लोगों के नाल वादा किया जे उन्होंने एक भी रह गया लिस्ट के वोट मंगन लई दोबारा नहीं जाएंगे इस बयान को किवें देखते हो। देखिए ये चीज़ आम आदमी पार्टी जदों की सत्ता दे विच आई है तो चाहे संगरूर के चुनाव हो बेशक उत्थे सरकार ने जित नहीं हासिल की लेकिन जिवें जलंधर के बाई इलेक्शन होकर हटे है सरकार अपने हर भाषण के गल जरूर कहती है चाहे वह MLA है चाहे कोई वर्कर है चाहे फिर खुद मुख्यमंत्री है वो आम तौर के उपर यह चीज़ कहते नजर आते हैं कि सानू वोट दी जाए साढ़े कामों के उपर असी जो वादे किए से असी पूरे वो वादे करांगे असी कोई भी वादा नहीं नकारांगे अगर असी काम किया है अगर असी वादे पूरे किए तो सानू वोट दी जाए असी अपने कामों के उपर ही वोट जिहड़ी की है वो मंग कर रहे हैं। सो ये सिर्फ अज का ही एजेंडा नहीं है या फिर अज की गल नहीं है यह आम तौर के उपर आम आदमी पार्टी का कहा जा सकता एक पेंट हो चुका है एक नारा कि अगर असी काम किया अगर असी लोगों के लिए कर रहे हैं जिस लोगों ने जो वादा किया है देखिए 2024 सरकार ने यह चीज़ प्रूफ करनी है कि सरकार ने वो काम किया है जो शायद पिछली सरकार नहीं कर सकी क्योंकि सरकार ये चीज़ कहती है जो पिछली सरकार ने नहीं किया वो असी हुण एक साल के करके दिखाया चाहे सरकारी नौकरी है चाहे वो महिला क्लीनिक है चाहे वो शिक्षा के जो बदलाव हो रहा है चाहे उसको लेकर गल की जाए। सो जिस तरीके सीएम मान वालों कल एक बड़ा ऐलान किया गया जिमें उन्होंने कहा कि पानी नूं बचाने के लिए भी असी लोगों जी एक सम्मान दिया जाएगा। सो सरकार एफर्ट्स कर रही है कितने ना कि 2024 के चीज़ जो चोन प्रचार होएगा ये चीज़ा लोगों को दसिया जाएंगे बदलाव असी पंजाब के किया है इस वादे असी पंजाब दे विच कीते सी जो लोगों के नाल असी कीते सी उसनूं पूरा किया सी तो उन चीज़ों के तहत ही सारिया चीज़ों देखा जा रहा है। सो जिस दे चलते हुए ही
सरकार वालों पूरी कोशिश रही है कि समा रेंदे सब चीज़ा कीतिया जान। सो हुण ए बड़ा क्रूशियल टाइम है सरकार दे कोल, क्योंकि 2024 महज साल के अंत यानी जनवरी फरवरी तक चोण जापता लग जाएगी, तो उस तो पहला पहला सरकार वो चीज़ा कर देना चाहती है जिसके नाल उन्हों का वोट बैंक स्ट्रोंग हो सके लोगों के। और वो कहते हैं पंजाब की नुहार बदलनी है, तो नुहार बदलने लिए जाहिर है जो वादे दावे सरकार ने किए उसको पूरा करना होगा, जिसके तहत जी लगातार सरकार अपनी गारंटियां है उसको पूरा कर रही है। अमन एक बार जरूर दर्शकों को जानकारी जरूर दे, सीएम भगवंत मान के आने के समय की, उत्थे कौन कौन मौजूद रहेगा, किस किस वालों जो उद्घाटन के समय उन्होंने कौन मौजूद रहेगा, किस तरह की तैयारियां ने, एक बार जरूर दर्शकों को पूरी उत्थे तस्वीर दिखाओ, तो नाले लोगों के नाल आम लोगों के नाल गलबात करने की जरूर दर्शकों को सुनवाओ कि आम लोग इस बस अड्डे बारे की कह रहे हैं, जो लागत के नाल बनया 61 करोड़ की लागत के नाल यह बस स्टैंड अति आधुनिक तरीके दे नाल बनाया गया, हर सहूलत नू मद्देनजर बनाया गया ताकि लोगों नू किसे परेशानी का सामना ना करना पवे। एक बार जरूर दर्शकों नू पूरी तस्वीर अते हर जानकारी ते सीएम भगवंत मान दे आन दा समा जरूर जानकारी दे। देखिए सीएम भगवंत मान का समय की अगर गल की जाए तो 11:30 बजे का समा है, जो थोड़ी ही देर भगवंत मान इतने पहुंच रही है, क्योंकि 11 बजन वाले हैं, 11:30 बजे इतने पहुंचे वर्चुअल इतने आके उद्घाटन की तस्वीर मैं सब तो पहला दिखाना चाहवागी कि सेहत मंत्री है जोड़े वो पहुंच चुके हैं, MLA है नीना मैडम वो इतने पहुंच चुकी है, हालांकि उन्होंने असं गलबात भी की नीना मैडम के नाल, उन्होंने जरूर जी जानकारी साझी की और थोड़ी ही देर ट्रांसपोर्ट मंत्री है जोड़े वो भी इतने पहुंचे। सो सेहत मंत्री जोड़े कि आप उन्होंने भी जरूर गलबात करेंगे कि आखिर उन्होंने इस बारे सो तुसी देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल। और अगर इस पूरे उद्घाटन की अगर गल की जाए तो CCTV कैमराज लगाए गए ने, पूरा फर्निश्ड इसको बनाया गया है और मेन मकसद यह कि इसको इस तरीके का जरा लुक देना है जो आम जो बस टर्मिनल के आम तौर के उपर नहीं दिखता, इस जो काम किया गया है वो भी बड़ा खूबसूरत है। देखिए सेहत मंत्री जेडे पंजाब दे हैं वो भी लोग लाइव सुन रहे हैं, जानना चाहेंगे जिहड़ा उद्घाटन अज किया जा रहा है इस क्या क्या खासियत है और मान सरकार लगातार अपने दावे वादे पूरे कर। देखो असी जिन्हें भी साढ़े जोड़े प्रोजेक्ट है वो असी उन्होंने फास्ट ट्रैक करके जिमें तुम देख रहे हो कि जोड़ा बस स्टैंड है ये बिल्कुल जोड़ा मॉडर्न बस स्टैंड, इट लुक्स लाइक एयरपोर्ट, ये सारिया फैसिलिटीज होपर रूम्स भी है, रेस्टोरेंट भी होएगा, ये वर्कशॉप भी है, ये थोड़ी जी जे साडे करन वाले काम है, बस स्टैंड बहुत वधिया बन गया हूँ, है कि ट्रैफिक जी समूथ चले, जिस तरह तुम्हें देखा भी बसा जी उपर आने लिए उन्होंने फ्लाईओवर है, इस तरह जी इतों निकलिया जिन्होंने चंडीगढ़ जाना उन्होंने वास्ते भी फ्लाईओवर चाहिए सो असी मान साहब रिक्वेस्ट की है, वो कोशिश कर रहे हैं भी वो फ्लाईओवर बन जाए, प्लस जोड़ा सा बाईपास है जो इंटरनल बाईपास है ये वास्ते असी 4 लेनिंग होनी है और जी बड़ी नदी है वो एक नवा ब्रिज बनना, सो वो ट्रैफिक जी थोड़ी समूथ होएगी साड़ी, सो ये बहुत वधिया एक मॉडर्न जिहड़ा बस स्टैंड है और जिहड़ा पुराना बस स्टैंड है उसनू लोकल बस दे नाल इहदे नाल कनैक्ट किया जाएगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए, बहुत वधिया जिहड़ा साडा अंतरराजी बस स्टैंड दिती कि ऊपर रूम्स बनाए गए ने, रेस्टोरेंट्स भी इतने बनाया जाएगा, सो रूम्स क्या जोड़े लोग अगर रहना चाहते हैं उन्होंने लिए किस तरीके की फैसिलिटी जी प्रोवाइड, बहुत वधिया जिवें होटल दे विच कमरे होंदे आ जी, कोई बंदा ट्रांजिट है सपोज कोई पिछों आ रहा है उन्होंने कितने अदरवाइज शहर में जाके होटल लभदा सीगा ओवरनाइट स्टे करके अगे उन्होंने जाना तो इतने ही नाइट स्टे करके अगे जा सकते हैं, बहुत वधिया सहूलत है, बाहर फॉरन कंट्री जिस तरह होंगी सी, सो असी क्या भी लोगों को आराम होना चाहिए, कोई बंदा फैमिली नाल ट्रैवल कर रहा लेट हो गया उन्होंने सपोज इस तो बाद अगे उन्होंने जम्मू जाना जा कि बठिंडे जाना जा गंगानगर जाना जा कि अपने होर अगे राजस्थान में जाना, सो वो रात को इतने लेट पहुँचते हैं, दे कैन हैव ओवरनाइट स्टे, नैक्सट डे अर्ली मॉर्निंग बंदा उतों उठ के तैयार होकर अपना बस फट के सवेरे जा सकता है। बनाया गया है यह प्रोसेस इतने ही पूरा रखा जाएगा उन्होंने लिए और फैसिलिटी इतने ही प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई बुकिंग ऑनलाइन है कुछ किसी तरीके बुकिंग ऑनलाइन होएगी, बुकिंग सारे चीज़ों की ऑनलाइन भी होएगी, जोड़े कमरे खाली होंगे ऑन द स्पॉट भी हो जाएगी, ऑनलाइन बुकिंग होएगी सारी, बिल्कुल सारा कुछ मॉडर्न है जो जोड़ा लेटेस्ट IT बेस्ड सारा कुछ। फ्लाईओवर्स बनाए जाने हैं क्योंकि आमतौर के ऊपर समस्या लोगों ने क्योंकि हाईवे है आन जान की दिक्कत होएगी लोगों को, तो उसके लिए किस तरीके से सहूलत जड़ियाँ बसेस है जिन्होंने चंडीगढ़ जाना नीचे बहुत नैरो है ट्रैक ऑलरेडी बहुत नैरो है उत्तर ऑलरेडी ट्रैफिक की दिक्कत आती है तो बहुत सारिया बसा उतों जाएगियाँ तो उत्तर लोगों को बहुत दिक्कत आएगी, सो बहुत जल्दी असी जोड़ा ये मतलब ये पहले जो उन्होंने प्लैन किया उन्होंने ये बारे नहीं सोचा, लेकिन ट्रैफिक को मुख रखते हुए जो अर्बन स्टेट के लोगों ने मैंने अप्रोच किया फ्लाईओवर प्लैंड है यदा काम जल्दी शुरू हो जाएगा उहदे नाल जिहड़ी हैगी है क्योंकि जिहड़ी बाकी पटियाले दी लोकल ट्रैफिक है छोटियां गड्डियां नीचे चली जाणगियां लेकिन जिहड़ियां बसां हैगियां सीधियां फ्लाईओवर ते चढ़ जाणगियां।
सो इसे साइड गल करने लिए सेहत मंत्री जिन्होंने बड़ी अच्छी जानकारी दी है और इंडिया न्यूज़ के ऊपर सब तो पहले अपने दर्शकों दी कि वड्डी गल ये है कि जेडे लोग रात को अगर लेट दराडे इतने पहुँचते हैं या किसी कारण उन्होंने बस लेट हो जाती है तो उन्होंने लिए स्टे की सहूलत भी इतने रखी गई है, यानी उपर रूम्स बनाए गए हैं जिथे कि अगर कितों भी लोग बाहर आते उन्होंने दूर कितने जाना है तो इतने स्टे कर सकते हैं। बुकिंग ऑनलाइन उसकी हो सकती, यानी कि जिथे इस सुविधावान के नाल जिथे सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, इसका पूरा लुक बड़ा मॉडर्न दिता गया है, पूरा नकाशी बड़ी अच्छी की गई, उत्थे जी सब तो वड्डी सहूलत जी दी गई है जो आम तौर पर बस उड्डा बस अड्डे ऊपर नहीं हो की है, रहन की सहूलत दी गई, यानी हूँ कोई भी इतों आता है तो आराम के नाल इतने रह सकता है, नाइट स्टे कर सकता, यानी एक बहुत वड्डी गल है। इस बारे असं लोगों के नाल भी जरूर गलबात करेंगे। सर, एक वड्डी सौगात अज पटियाला वासियों नूं मिल रही है, जिवें सेहत मंत्री ने जानकारी दी कि अगर लोग दूरों पहुँचते हैं तो स्टे का प्रबंध भी इतने किया नहीं करना चाहिए, स्टे का प्रबंध नहीं, स्टे का प्रबंध तो किया गया जी बाकी, पर इतने ना हूँ आम आदमी पार्टी के जोड़े पुराने वर्कर से स्नेह उन्होंने सारे लग गए, पर हूँ प्रशासन उन्होंने अंदर नहीं आन दे रहा। असं यह जानना चाहते हैं सिर्फ इतने कि किस तरीके दे नाल सुख सहूलत लोगों इतने जी मिलेगी जो हूँ नवा वड्डा नहीं, सहूलत तो जी इतने सारिया ने, नवी तकनीक है सारी, सारा कंप्यूटराइज आ, बाकी पिछले शॉप वगैरह भी बन रही ने, ते जेड़ा पेट्रोल पंप है वह भी PRTC का इतने ही लग जाना है। हाँ जी हाँ, एक वड्डा पेट्रोल पंप भी देखिए वड्डी जानकारी आपां नूं मिल रही है। सर, एक वड्डी सौगात अज पटियाला वासियों नूं मिल रही है और कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन भी बाहर चल रही है इस दे विच, क्योंकि सब तो वखरा और सब तो सहूलतमंद जिहड़ा कि बस स्टैंड होए। पहला तो मैं देख रहे इंडिया न्यूज़ के सारे चैनलों मैं इस चीज़ की मुबारकबाद दिना कि सरदार भगवंत सिंह जी मान की सरकार बहुत वधिया काम कर रही है, जिहदे च एक पटियाले नूं बहुत वड्डी सौगात मिलने जा रही है बस स्टैंड के रूप के। ये बस स्टैंड इहदी इहो जी लोकेशन है कि ये हर पासे तो छोटे वाले आ, तुसीं चंडीगढ़ जाना है, तुसीं अमृतसर जाना है, तुसीं फिरोजपुर नूं जाना है, तुसीं बठिंडे नूं जाना है, एक तुहानूं बाहरों बाहर शहर तो मिलेगी और इहदी बहुत वधिया लोकेशन होने के बाद पटियाले जिले नूं एक बहुत वड्डा हुंगारा मिलेगा इस चीज़ का कि उहदे वास्ते एक बहुत वड्डी पहलकदमी इहनां दी वड्डी पहलकदमी है। और जिवें सेहत मंत्री ने भी जानकारी दी कि आम लोगों को दिक्कत ना होए, क्योंकि जदों इसकी नींह रखी गई थी, जदों इसको बनाना शुरू किया गया था तो शायद ये चीज़ें नहीं देखी गई थी, लेकिन हुण जल्द जिहड़ी वड्डी जानकारी जल्द फ्लाईओवर का भी काम इत्थे जो शुरू हो जा रहा है, इत्थे कोई नदी पैंदी उत्थों भी जिहड़ा कि बनाने के लिए फ्लाईओवर की जिहड़ी कि हुण नींह पत्थर रख दिया जाएगा, यानी कहा जा सकता है कि सरकार वल्लों पूरी कोशिश की जाएगी कि पटियाला वासियों नूं हर तरीके की सुख सहूलत मिले। वड्डी गल है कि इत्थे पेट्रोल पंप PRTC लगाया जिसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लोगों के रहन के लिए इतने कमरे बनाए गए हैं, ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, इतने आके बुक कर सकते हैं और फुली AC जड़े होंगे और इतने शॉप्स बनाई गई हैं, रेस्टोरेंट बनाए गए हैं ताकि जेड़े भी लोग जाएंगे तो उसके लिए सब तो वड्डी सहूलत उन्होंने इसी बस टर्मिनल में मिलेगी, यानी कहा जा सकता है अपने आप एक वड्डा फुली फर्निश्ड और फुली टेक्नोलॉजी दे लेस जिहड़ा बस स्टैंड होगा पहला जिथे कि रहन की सहूलत भी लोगों को जरूर मिलेगी। तस्वीर मैं जरूर एक बार स्टेज दी दिखाना चाहवांगी जिथे कि सिर्फ हुण मुख्यमंत्री दे आन दा इंतजार किया जा रहा है, थोड़ी ही देर दे विच CM मान पहुँचेंगे और इत्थे इनोग्रेशन करन की तैयारी पूरी मुकम्मल कर ली गई है, सिर्फ हुण उद्घाटन किया जाएगा तो उन्होंने नाल हुण जिहड़े इत्थे पहुँचेंगे वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होंगे, तमाम जिहड़े कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जिन्हें भी ऑफिसर्स वो भी इतने मौजूद रहेंगे। सो तुसी MLA साहब नूं सुने, आम लोगों नूं भी सुने ते सेहत मंत्री नूं सुने, यानी एक वड्डी जानकारी जिहड़ी तुहाडे नाल सी सांझी कीती। अमन जी, गल कीती जावे फिर एक सवाल जिहड़ा वो आ जांदा है कि ये बाहर दी बाहर जिहड़ा बस स्टैंड बनाया गया उत्थे बाजार सीगा, जे लेडीज कई बार लेट आउंदियां सीगियां तां उन्हां नूं सहूलत हो जांदी सी, उत्थों रिक्शा आटो जिहड़े बड़ी आसानी दे नाल मिल जांदे सीगे, पर इत्थे जिहड़ा इह बारों बार बस स्टैंड बनाया गया किते ना किते लोकां नूं जिहड़ियां लेडीज ने लेट नाइट जिहड़ियां कई बार ड्यूटी तों लेट हो जांदियां ने या फिर बाहरों दूर दराडे तों आउंदियां ने तां उन्हां नूं रहण दा भावें इंतजाम कर दिता गया, पर कई बार बंदे ने बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट काम भी हुंदे ने, घरे भी जाणा है, जरूरी जाना होंदा है, कितने ना कितने लगता है कि वो इफेक्ट जरूर करनगियां चीजा बारों बार क्योंकि बस स्टैंड बनाया गया सहूलत नूं लैके।
जाहिर है इस चीज़ का जिक्र जरा कि सेहत मंत्री वालों भी किया गया कि जो इस बनाया गया से शायद इस बारे असी उदो इस चीज़ के बारे ज़्यादा नहीं सोचा गया से, लेकिन हूँ इन्हीं चीज़ों सॉल्व करन दे लई वन बाय वन करके सरकार वालों एफर्ट्स किए जाएंगे। जिमें पहले फ्लाईओवर का काम शुरू किया जाएगा, अगर दूरों कोई लेडीज़ आदि है या किसी को समस्या होंगी तो उन्होंने लिए इतों जाने भी जी सहूलत की जाएगी ताकि उन्होंने किस तरीके दिक्कत ना हो। अक्सर क्या होंगे कई बार आप पिछले ऑफिस तो लेट हो जाते हैं, उस वेखते हुए भी सरकार वालों ऐसे एफर्ट्स किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारी महिलावान बैठिया हैं, मैं कोशिश करांगे उन तक पहुंच करन दी, तो उन्हें तो असं जानांगे कि आखिर उन्होंने इस पूरे मामले के उपर क्या कहना है। मैडम अज उद्घाटन किया जा रहा है, किवें देखते दे हो हम जिमें कि लेडीज क्योंकि शहर तो थोड़ा बाहर पै जाता है, अगर ऑफिस तो लेडीज जिमें तुसी लेट हो जाते हो या कुछ हो जाते तो लगता है उसनू ईजीली कर पाओगे या थोड़ा मुश्किलात भी आ? नहीं मैम, जोड़े दूर दे उन्होंने तो मुश्किल आएगी, बट जोड़े लोगल आ उन्होंने तो नहीं मेरे ख्याल शायद। बाकी हाँ जी हाँ जी, जिवें तुसी लोकल हो तो अगर थोड़ा समझना चाहिए थोड़ा लाइव सुन रहे हैं लोग तो किमें ईजी होएगा इतों जाना किमें सहूलत किमें इसको जोड़ा कि मैनेज किया जा सकता? मैम तो हर एक अपनी जिम्मे हम असं अपने वहीकल से आते हैं है ना, सूँ पता इन्ने टाइम से पहुँचना और तकरीबन सरकारी मुलाजम टाइम के पाबंद ही होंगे हैं है ना जी, लेट तो कोई भी नहीं होएगा। बाकी हर एक की अपनी अपनी वो है, हर एक की अपनी अपनी वो है। तो होर भी बहुत सारी महिलावान मैम थोड़े को जानना चाहवे, सरकार वालों एक वड्डा उपराला अज किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है, सो जिवें हुण तुसी लेडीज हो की लगता है थानू कि कोई समस्या अगर लेट आते हो, हालांकि रहन दे सुख सोल सरकार वालों की गई किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। मैडम थोड़े को जानना चाहवे जो भी लेट जिमें अगर हो जाते हो या कुछ भी होंगे लगता है कि चीज़ा ईजी होनगियाँ महिलावों को किसी की मेन दिक्कत लेडीज अक्सर आम तौर के उपर आप देखते हैं, सो कोई दिक्कत अगर लेट आते हो या फिर इतों जाना ईजी है क्योंकि बाहरों बाहर बन चुके हैं, पहले शहर के अंदर होंगे? मैम हूँ भी शहर के अंदर ही है, सिक्योरिटी बहुत है पटियाले च, तो मैम इस चीज़ नाल बहुत इफेक्ट पेगा कि हूँ जिमें एक आउटसाइड से सीगा लेकिन हूँ बिल्कुल इंटरनल आप मेन सिटी से चीज़ फील कर रहे हैं, बहुत इजी फैसिलिटी रहेगी मैम। ठीक वधिया जी। मैडम तुहानू लगता है कि कोई मुख्य क्योंकि लेडीज दे बारे असीं ज्यादा चाहते उन्होंने तो शायद थोड़ा शायद जरूर कैमरा हो जाते हैं, लेकिन लेडीज का साफ तौर के उपर यह कहना है कि मुश्किलात तो होंगे लेकिन सब का अपना अपना होंगे, लेकिन सरकार वालों भी और इन्होंने वालों भी कोशिश होंगी है कि चीज़ों टाइम बाउंड होकर और अच्छे तरीके ना किया जा सके। और कहते सिटी में इन्ना भी बाहर नहीं है लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि इतने चाहे ऑटो है रिक्शा है ईजीली फड़ के लेके जा सकते हैं, हल्की फुल्की दिक्कत जरूर आ सकती है जी। अमन जिमें गलबात जोड़े मिनिस्टर भी की है, तुम हेल्थ मिनिस्टर के नाल गलबात की, विधायक नीना मित्तल के नाल गलबात की, उन्होंने एको गल कही है कि जिहड़ा सहूलत मिल रही ने तो बहुत वधिया सहूलत मिल रही, तो आने वाले समय के आम आदमी पार्टी होर सहूलत जरूर देवेगी। तो अमन बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा इस पूरे मामले जानकारी देने के लिए।